वेलकम टू एस टी ए बी एग्ज़ाम फोरम। एस टी ए बी एग्ज़ाम फोरम में आपका स्वागत है। हम टारगेट डी आर डी ओ सेप्टम 2022 के चैप्टर 8 पर पहुंच गए हैं। इस चैप्टर में हम ईडियम एंड फ्रेसिस को जानेंगे, ठीक है? तो चलिए जानते हैं। सो जैसा कि हमने चैप्टर 5 में आपको बताया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में डी आर डी ओ सेप्टम में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो हमने आपको बताया था, और एक हमने आपको एक थॉट भी दिया था, ओनली प्रैक्टिस इज़ द की फॉर प्रिपेयरिंग इंग्लिश। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप इंग्लिश वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सकते हैं, ठीक है? और उसी सीरीज़ में आज हम इस वीडियो में जानेंगे ईडियम एंड फ्रेसिस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे करना है, ठीक है? तो टाइम वेस्ट किए बिना लेट्स सी। तो ईडियम एंड फ्रेसिस को आंसर करने के लिए आपको हम ट्रिक दे रहे हैं, फाइंड द कीवर्ड एंड ट्राई टू कनेक्ट विद ईडियम एंड फ्रेसिस। इस ट्रिक की मदद से आप 80% ऑफ द टाइम करेक्ट होंगे, ओके? इसके लिए आपको ज़्यादा ग्रामर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ईडियम एंड फ्रेसिस को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। इस कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए आप मोस्टली क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, ठीक है? चलो जानते हैं इस की ट्रिक को हम कैसे यूज़ करेंगे। सो 10 MCQs हम आपको बताने वाले हैं इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए। लेट्स सी कैसे करना है इसको। ही एडवाइज हर टू गिव अ वाइड बर्ड टू द मैलिशियस पीपल। दोस्तों, जो ईडियम एंड फ्रेजेज होते हैं उनमें डायरेक्ट मीनिंग कभी नहीं होती। तो बर्थ, जैसे ही आपको वर्ड पता चला ईडियम में तो इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है? जो ट्रेन में बर्ड्स होती हैं, आपको पता होगा ट्रेन में बर्ड्स होती हैं, बेड्स होते हैं। तो जहाँ पर भी ऑप्शन बी एंड सी में आपको देखिए, गिव अ लार्जर बेड टू, शेयर हर सीट विद, तो ये दोनों ऑप्शन तो 100% नहीं होने, ठीक है? सेकंड जो चीज़ हमने बताई, फाइंड द कीवर्ड। अब यहाँ पर कीवर्ड कौन कौन से हैं? एडवाइस एंड मैलिशियस। एडवाइस क्या होती है? सलाह देना। मैलिशियस पीपल, आपको थोड़ी वोकेबलरी आनी चाहिए। मैलिशियस मतलब होते हैं बुरे लोग। सो अगर कोई मैलिशियस लोगों के प्रति अगर कोई सलाह दे रहा है तो वो उससे दूर रहने की सलाह ही देगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, टू स्टे अवे फ्रॉम, ओके? सो ही एडवाइज हर टू स्टे अवे फ्रॉम द मैलिशियस पीपल, ओके? सो इस तरीके से आप देखिए, दो ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया स्ट्रेट, एंड दो में से जो ज़्यादा सूट कर रहा था यूजिंग कीवर्ड, वी हैव चोजन ऑप्शन डी, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टू स्टे अवे फ्रॉम, ठीक है? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी वन। द मैनेजर इज नॉट डिसमिस्ड बट ही इज डेफिनेटली अंडर क्लाउड। तो यहां पर भी आपको कीवर्ड ढूंढनी है। कीवर्ड क्या है? नॉट डिसमिस। डिसमिस मतलब उसको, मैनेजर को पोस्ट से हटाया नहीं गया, बट ही इज डेफिनेटली अंडर क्लाउड मतलब वो संदेह के घेरे में है। संदेह के घेरे में है तो सस्पेंशन, वॉन्ड और स्क्रूटिनी तो हो ही नहीं सकता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अंडर सस्पेशन, ठीक है? समझ आ रहा है ना कैसे करना है? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चले। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी है। श्यामा प्रसाद वॉज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अब चिप क्या होती है? कंप्यूटर में चिप लगती है। यहाँ पर कहीं उससे रिलेटेड कुछ दिया नहीं तो हमें और कीवर्ड ढूंढने पड़ेंगे। ओल्ड ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक है, उसी की चिप है। जैसे एक ब्लॉक में से कई सारी चिप्स होती हैं, और ओल्ड ब्लॉक, ओल्ड मतलब पुरानी ब्लॉक। तो अब मैंने आपको बताया डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, तो ओल्ड यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन ए एंड बी आप स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकते हैं कि अ बींग फ्रॉम ओल्ड जनरेशन एंड एक्सपीरियंस ओल्ड मैन, तो आप इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं स्ट्रेट। अ कॉमन बॉय ऑफ द लोकेलिटी, और ऑप्शन डी, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर्स टू वन फादर। अब जैसे एक ब्लॉक में कई सारे चिप्स होते हैं, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि एक ब्लॉक है उसके चिप है, मतलब फादर और का कुछ रिलेशन होगा, ठीक है? तो ऑप्शन डी ज़्यादा सूट कर रहा है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ही है, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर्स टू वन फादर, राइट? आई होप यू आर लाइकिंग। चलें स्टूडेंट आगे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ब्रॉट द हाउस डाउन विद स्पेक्टिकल परफॉर्मेंस एट द शो यस्टरडे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप ईडियम फ्रेज को डायरेक्टली अगर ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे तो उनमें आप कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं। हाउस डाउन मतलब घर गिराना सोचेंगे आप, तो घर गिराने वाला ऑप्शन कौन सा है? डिफेम्ड अ फैमिली बिल्डिंग, इसको स्ट्रेट अवे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। रही बात पुल डाउन, डाउन स्ट्रेट अवे नहीं होगा, अगेन मैंने आपको बोला था डायरेक्ट ईडीएम एंड फ्रेजेस से आते नहीं, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास ऑप्शन दो बचे हैं, इसमें हम जो हमारी ट्रिक है फाइंड द कीवर्ड एंड ट्राई टू कनेक्ट विद इट, उसको देखेंगे। सो जॉन ब्रॉट द हाउस डाउन विद स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस। स्पेक्टिकुलर क्या होता है? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने पे क्या होता है? ऑडियंस खुश होती है, तो इसका ऑप्शन बी ज़्यादा रिलेट कर रहा है और बी ही ऑप्शन करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अम्यूज द ऑडियंस ग्रेटली। ओके, मजा आ रहा है ना आपको? ठीक है स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्पीकर कंटिन्यूज विद हिज बोरिंग स्पीच देन ऑडियंस विल प्रोबेबली वोट देयर फीट। तो मैंने जैसे आपको बताया कि डायरेक्ट नहीं होगा, तो वोट विद देयर फीट, फीट फीट से क्या क्या कर सकते हैं? किक कर सकते हैं, तो किक नहीं होगा। ठीक है, अब आपके पास बचे तीन ऑप्शन, तीन ऑप्शन को आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए। स्पीकर कंटिन्यूज विद बोरिंग स्पीच, बोर हो गए वो, बोर हो गए तो क्या होंगे? या तो वो सुनेंगे नहीं या उसको डिसअप्रूव करेंगे। ओके, ऑप्शन जो डी है वो स्ट्रेट एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि चूज हिम एज अ लीडर, अगर आप बोरिंग लग रही है तो आप उसको लीडर क्यों चूज करेंगे? तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। आपके पास 50% चांस है कि आप एक करेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे? वोट कर रहे हैं विद देयर फीट, मतलब आप वोट करोगे तो आप उसको डिसअप्रूव कर सकते हो, तो ऑप्शन बी ज़्यादा लेट लग रहा है, तो शो देयर डिसअप्रूवल इज द करेक्ट आंसर, एंड यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थ्रू अप माई कार्ड्स फॉर द वॉन्ट्स ऑफ फंड, बहुत ईजी है, इसको आप आंसर कर सकते हैं। सो मैंने जैसे बताया कार्ड से रिलेटेड है, तो कार्ड कहीं पर भी आया उससे रिलेशन कुछ है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। गैम्बल्ड ऑल माई मनी, स्ट्रेट अवे चला गया। ठीक है, बिकॉज कार्ड से गैम्बलिंग करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी स्ट्रेट चला गया। अगला जो आता है क्या आता है? थ्रू अप माई कार्ड फॉर द वॉन्ट्स ऑफ फंड्स। ठीक है, तो अगर फंड चाहिए तो अगर डायरेक्टली की बात करें, पुट माई होल इनकम एट स्टेक, ये भी ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, अब आपके पास बचे ऑप्शन टू, बी एंड सी। जब भी आप पत्ते खोलते हैं, हम बोलते हैं ना पत्ते खोल दिए, इसका मतलब क्या होता है कि अपना प्लान जागीर करना। सो प्लान देना का मतलब क्या होता है? ऑप्शन सी, गिव अप माई प्लान। सो जब आपको कुछ फंड की जरूरत होती है तो अपना प्लान बताते हैं, उसी तरीके से आप इसको रिलेट करके ऑप्शन सी पे टिक कर सकते हैं, और ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है। थ्रू अप माई कार्ड्स का मतलब होता है गिव अप माई प्लान्स। तो दोस्तों आपके माइंड में आ रहा होगा ये तो स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट नहीं आई देन कैसे करेंगे? उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो होगा नहीं, जो हमारा कीवर्ड है हमने जाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही वर्कड हार्ड टू फेदर हिज नेस्ट। अब मैंने आपको बताया डायरेक्टली कभी नहीं आते, तो फेदर हिज नेस्ट, तो नेस्ट से रिलेटेड जो भी हैं उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ट्रैप बर्ड्स नेस्ट वाला, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब और क्या है? ऑप्शन तीन बचे हुए हैं। अब वर्क हार्ड करने के लिए ऑब्वियसली कोई अपना घर तो सजाएगा नहीं, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी एंड डी में आप देखिए आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। ही वर्कड हार्ड, अब दूसरों को जलाने के लिए कौन वर्क हार्ड करता है? एंड नेस्ट, नेस्ट क्या होता है? घर से रिलेटेड, तो अपने घर का लालन पालन करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, तो प्रोवाइड फॉर हिज ओन नीड्स भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमें पता नहीं चल रहा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको पता नहीं, पर डीआरडीओ सेप्टम एग्ज़ाम की एक अच्छी बात है कि आप इनको
एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो आपके पास बी सी डी में तो पक्का होंगे। अब डेकोरेटिव होम भी हमने एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन सी एंड डी में आप चूज कर सकते हैं। आप क्या चूज करेंगे? बी द एनवी ऑफ अदर एंड प्रोवाइड फॉर ऑल हिज नीड। सो आपकी मर्जी है आप इसमें कौन सा चूज करें। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तृप्ति गेव हर रिपोर्ट कोटिंग चैप्टर एंड वर्स। ये भी थोड़ा टिपिकल है, इसको आंसर करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज सारे रिपोर्ट से रिलेटेड हैं। अगर कोई रिपोर्ट देता है तो कोट करते हैं। कोट करने से मतलब है कुछ लिखा होगा तो बोलना बताना तो नहीं होगा। स्पोक लाइक अ प्रीचर भी नहीं हो सकता, टॉट लाइक अ प्रीचर टीचर भी नहीं हो सकता। अब चैप्टर कोट कर रहे हैं तो रिलीजियस का कहीं लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चैप्टर एंड वर्स, कोटिंग चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है प्रोवाइड द माइन्यूट डिटेल्स। ठीक है, अगर कोई रिपोर्ट में माइन्यूट डिटेल्स देता है तो हम बोलते हैं कोटिंग चैप्टर एंड वर्स। ठीक है, ये आप देखिए स्ट्रेट अवे एलिमिनेट आपने तीन ऑप्शन कैसे करे, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ट्रिक क्या है? फाइंड द कीवर्ड एंड ट्राई टू कनेक्ट विद हिम, जो हम कर रहे हैं। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई स्टर्ड द हॉर्नेट्स नेस्ट बाय माई ऑनेस्ट स्टेटमेंट। सो इस क्वेश्चन को भी आप देखेंगे तो आपको क्या समझ आएगा? ऑनेस्ट स्टेटमेंट दी है। सो जब भी कोई ऑनेस्ट स्टेटमेंट दी जाती है तो क्या होता है? या तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, करेक्ट? तो क्रिटिसाइज करने का मतलब आलोचना करते हैं, तो ऑप्शन ए एंड सी होने के ज्यादा चांसेस हैं। बी एंड डी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज ऑनेस्ट स्टेटमेंट दी गई है। सो ऑनेस्ट स्टेटमेंट देने पे क्या होगा? या तो क्रिटिसाइज होगा, रिस्पॉन्ड करेगा क्रिटिसिज्म को, या क्या होगा? स्टॉप पीपल फ्रॉम क्रिटिसाइज समवन। ठीक है, और अगर आप इसको और देखेंगे, स्टर द ऑर्नेस नेस्ट, मतलब ऑर्नेस नेस्ट क्या होता है? जहां पर नेस्ट नेस्ट है मतलब बहुत सारे कुछ लोग होंगे, तो ऑप्शन बी भी इस केस में आ जाता है। सो ऑप्शन स्टर मतलब हिला देना, हिलाना का मतलब गुस्सा आएगा, तो गुस्सा को अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए एंड बी में आ गए। ऑप्शन ए एंड बी में आप कौन सा बेटर चूज करेंगे, क्रिटिसिज्म को या एंगर टू इन मैनी पीपल? सो अगर हम क्रिटिसिज्म को हटा दें, ऑप्शन बी को देखें, कॉज एंगर इन मैनी पीपल, तो अगर इससे रिलेट करें, आई कॉज एंगर इन मैनी पीपल बाय ऑनेस्ट स्टेटमेंट, ऑब्वियसली ठीक लग रहा है कि ऑनेस्ट स्टेटमेंट देंगे तो कई सारे लोगों को गुस्सा आएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये ट्रिक्स थोड़ी कई क्वेश्चंस में नहीं लगती, तो उसके केस में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि हमने कहा है आपको। ठीक है, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। माई फादर इज अनडाउटेडली एन आर्म चेयर। अनडाउटेडली एन आर्म चेयर। सो आपके पास चार ऑप्शन है। अब आर्म चेयर क्रिटिक का मतलब क्या होता है? क्रिटिक क्या होता है? जो आलोचक होता है, आलोचक सिर्फ आलोचना करता है। ठीक है, तो अगर कोई आलोचना कर रहा है, वो नेवर गिव एडवाइस, इसको तो स्ट्रेट अवे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बचे ऑप्शन तीन, ए बी सी, इसमें आप तीनों एडवाइस हैं फॉर श्योर। बस आर्म चेयर, चेयर पे बैठ के आलोचना करना मतलब क्या होता है? चेयर पे बैठ के मतलब चेयर पे वो कुछ काम नहीं कर रहा, तो उसके पास एक्सपीरियंस तो होने वाला नहीं, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाता है। अब जहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस कैसे आता है? प्रैक्टिस से। सो अगर वो आर्म चेयर क्रिटिक है जो ओनली बस बैठे बैठे ही बता रहा है, इसका मतलब क्या है? वो ओनली थ्योरी थ्योरी कर रहा है, प्रैक्टिस तो कर ही नहीं रहा। सो जो एडवाइस देता है ओनली थ्योरी पे, नॉट प्रैक्टिस, वो कौन होता है? एन आर्म चेयर क्रिटिक। तो ऑप्शन ए को हम ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिखाए कि कैसे सॉल्व करना है। आप को जो हमने ट्रिक दी है कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक है छोटी सी, बट बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज DRDO सेप्टम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। विद एलिमिनेशन यू कैन आंसर इट प्रॉपरली। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।